डियर स्टूडेंट, आज हम करते हैं जो हमने टेस्ट लिया था चैप्टर 6 उसका सॉल्यूशन। तो देखो, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ MMF, मतलब फुल फॉर्म ऑफ MMF क्या है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ऐसे अगर आए फुल फॉर्म ऑफ EMF तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ओके, सेकेंड क्या है, यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी क्या है, वेबर मीटर स्क्वेयर। अगर पूछे यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या रहती है, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ला यूनिट बोलेंगे इनको, ठीक है। अब यूनिट ऑफ EMF यानी यूनिट ऑफ वोल्ट या EMF की वोल्टेज की क्या रहती है, यूनिट वोल्ट, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आए यूनिट ऑफ EMF या यूनिट ऑफ वोल्टेज इज क्या रहेगा, वोल्ट, ठीक है। MMF इज एनालॉगी टू MMF, किसका समरूप है, क्या है, EMF। और दोनों की फुल फॉर्म हमने देखी, MMF क्या था, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, EMF हमारा क्या था, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो वैसे रिलक्टेंस होता है क्या, जो हमने किया था, क्या करता है ये, अपोज करता है फ्लक्स का इन्हें मैग्नेटिक सर्किट, ओके। और रजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या करता है, अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो, सिक्स्थ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज फॉर जनरेटर। अगर यहाँ आए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज फॉर क्या आएगा, हमारा मोटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 1/2 लाई स्क्वेयर, ठीक है। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, हेनरी, ठीक है। कैपेसिटर की फेराड, रेजिस्टेंस की ओम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन, रिलेशन क्या रहेगा म्यूचुअल का, के रूट L1 L2, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 10 नंबर क्वेश्चन, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द एडी करंट फ्लोस इंक्रीज, ठीक है। लेंथ लॉ, ये देखो आपका आती है, डेफिनेशन आती है, क्या होता है हमारा, दिस लॉ इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, और ये हमेशा क्या रहती है, अपोज रहती है, जो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या लिखा हो, देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इज सेड दैट इट अपोज द केज विच प्रोड्यूस इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, देखो आप, ये हमने कितनी डिफाइंड रिलक्टेंस क्या है, द पोजिशन ऑफर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बाई ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। जो हमारा अपोज करे फ्लक्स का, इन्हें मैग्नेटिक सर्किट क्या कहलाएगा, रिलक्टेंस कहलाएगा, ओके। देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाई ए मैग्नेटिक, देखो हमने बनाया भी था, आप लोगों को याद हो, मैग्नेट बनाया था, और हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन, ये हम नंबर ऑफ लाइन बना रहे थे, हमारे क्या था, फ्लक्स डिनोट कैसे कर रहे थे, फाई से, और यूनिट क्या होती है, वेबर, ओके। नेक्स्ट देखो, परमीबिलिटी, ये क्या रहती है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट, मतलब इसकी एबिलिटी, किसकी, मैग्नेट की क्या रहेगी एबिलिटी रहेगी, वो अपने नंबर ऑफ लाइन कितने फोर्स के अपने अंदर से पास होने दें, ठीक है, ये हमारा क्या लगा, परमीबिलिटी, ठीक है। और देखो ये MMF का फिर आ गया, ये इस बार है डेफिनेशन, साथ में हम क्या लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे क्या है, द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेटअप और टेंड्स टू सेटअप मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड MMF, ठीक है, ये याद रखना, इसका मैग्नेटो मोटिव फोर्स। MMF इज एनालॉग टू EMF, EMF की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। अब देखो ये हमारा था स्टेट फैराडे लॉ, फर्स्ट और सेकंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम में आता ही आता है, रिपीट होता रहता है। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो यहाँ पे हम बनाएंगे, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम क्या बोलेंगे, जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, कि जो EMF इंड्यूज हुई है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज, क्या है, D5 / Df, ओके, ये याद रखना।
फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब ये देखो हम क्या लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो क्या होगी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या कहता है, जो ईएमएफ इंड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, लिखिए ठीक है ओके। ये फ्राइडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल आपको एक्सप्लेन बताया भी था, हम याद रखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, देखो जब आप एक्सप्लेन करते तो क्या लिखेंगे कि हमारा बोलेंगे थंब फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यही लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है तीनों एक दूसरे पे क्या है 90 का कोण बना रहे हैं परपेंडिकुलर, यही बोलेंगे। फिर हम क्या बोलेंगे देखो एक्सप्लेन यहाँ से लिखेंगे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे थंब इज रिप्रेजेंटिंग टू, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है कंडक्टर मोशन को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टर मोशन, फर्स्ट फिंगर किसको करती है मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर ईएमएफ को। अब देखो एक चीज़ हमने अभी की थी उसी से हम क्या करेंगे एग्जांपल लेके चलेंगे, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। क्या बोला हमने कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर, ये क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कंडक्टर मूव कर रहा है मतलब कंडक्टर मोशन लिखेंगे। यहाँ पे किसके लिए यूज होता है ये हमारा जनरेटर के लिए, तो फिर ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। सेकंड क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है कंडक्टर मूव, तो किसको मैग्नेटिक फील्ड लिखा यहाँ पे फर्स्ट को। कट करने से क्या हो रही है ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, क्या हो रही है ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करी ईएमएफ को। और हम बोलेंगे कि जो हमारा राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का वो किसके लिए यूज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आता है जनरेटर के लिए ओके। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं कोई पूछे आपसे, मोटर के लिए, ठीक है। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे कंडक्टर मोशन रहेगा, ठीक है, ये फील्ड रहेगा। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है करंट करता है, मैग्नेटिक में क्या करता है फ्लो फ्लक्स करता है ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें वही लिखेंगे क्या हमारा थंब फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। फिर लिखेंगे फर्स्ट थंब इज रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं थंब इज रिप्रेजेंटिंग टू कंडक्टर मोशन, फर्स्ट इज फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड, सेंट्रल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द करंट ओके। ये हमारा था फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। हमने अभी किया था ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है आपको बताया भी था, वही हम देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं देखो, ये हमने एक इंडक्टर एक कॉइल ली, ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं करंट जाता है इसमें, कंडक्टर क्या होता है मूव होता है, हमने बोला था कंडक्टर क्या होता है मूव होता है, फील्ड को कट करता है, फील्ड को कट करता है ईएमएफ इंड्यूज होती है। जो ये ईएमएफ इंड्यूज हुई है ये किसकी वजह से हुई है, क्या लिखा हुआ इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स, मतलब इसी के थ्रू इस कॉइल के थ्रू तो हो रहा है अपोज कर रहा है चेंज ऑफ करंट का, तो ये क्या कहलाएगा सेल्फ इंड्यूज, मतलब खुद की वजह से ईएमएफ इंड्यूज हो रही है। अब देखो कंपैरिजन आपको सेकंड करवाते हैं उसमें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या म्यूचुअली, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ ए वन कॉइल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे बना नहीं रखा बच्चे ने, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा कट करेगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये हम बोले अभी देखा था हमने ये एरिया क्या रहता है एक मैग्नेटिक फील्ड करता है डेफिनेशन की थी, एंड अराउंड ए एरिया ऑफ ए मैग्नेट विच बिहेव लाइक ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका भी एरिया कुछ होता होगा, तो ये क्या हो रहता है इसकी वजह से क्या होगा इसमें कॉइल, इस कॉइल में भी चेंज आएगा, कंडक्टर मूव करेगा फील्ड को कट करेगा ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं वहां पे हमें क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा। तो अब देखो इस कॉइल में चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है अदर कॉइल की वजह से चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके। ये होता है डिफरेंस, यहाँ पे क्या था कि एक ही कॉइल यूज करें और इसी सप्लाई से इस कॉइल में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा सेल्फ, और यहाँ पे इस कॉइल की वजह से सेकंड में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ।
ओके अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सीरीज एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस। अब हमने क्या था इंडक्टर यूज करते हैं हम सीरीज में कैसे, ये हमारा किस में सीरीज में कनेक्ट L1 L2 ओके। पैरेलल में कनेक्ट कैसे होता है, ये हमारा किस में पैरेलल में। अब देखो सीरीज और पैरेलल का एक सिंपल सा बताते हैं आप, अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है वहाँ पे कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट यहाँ से चला, कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, हमें आउटपुट पे करंट मिल रहा है, मतलब ये किस में कनेक्ट है सीरीज में। यहाँ पे करंट चला सेकंड में, यहाँ पे करंट चला तो L1 और L2, एक करंट जाएगा कहाँ से L1 से होते हुए आउटपुट पे मिलेगा, एक करंट L2 से होते हुए आउटपुट पे मिलेगा। मतलब जहाँ पे देखो ये पॉइंट है, यहाँ क्या हो रहा है हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे भी हमारा करंट डिवाइड हो तो वो हमारा क्या बोलेंगे वो किस में कनेक्ट है, हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। ओके ये तो सिंपल है सीरीज और पैरेलल में इंडक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉर्मूला भी पता होगा टोटल इंडक्टेंस का सीरीज का L1 प्लस L2। अगर पैरेलल का निकालें तो क्या रहता है हमारा 1/L1 LT = 1/L1 + 1/L2, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा पैरेलल का, आपको सीरीज पैरेलल का रेजिस्टेंस का सेम होता है वैसे इंडक्टर का होता है, ठीक है ये याद रहना चाहिए। तो ये क्या होगा L1 L2 L1 प्लस L2। अब बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो इसी को मान लेते हैं टोटल इंडक्टेंस, ठीक है पैरेलल में। देखो ये किसके इक्वल है, 1/LT के इक्वल है, ये किसके इक्वल है 1/LT के इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, LT निकालना है टोटल इंडक्टेंस, क्या रहेगा L1 L2 L1 प्लस L2। मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए ये याद रखें ये किसका फॉर्मूला है 1/LT का है, हमें निकालना क्या LT निकालना है L1 L2 upon L1 plus L2, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है वहन द, हम क्या करेंगे इंडक्टर इन सीरीज लेंगे, मतलब टू कॉइल में बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे कि फ्लक्स क्या रहेगा हमारा सेम डायरेक्शन में, कैसे बनाएंगे देखो। देखो ये क्या है, ये बनाया हमने इंडक्टर किस में कनेक्ट किया, ये देखो ये इंडक्टर L1 ये L2 कनेक्ट है सीरीज में, कैसे देखेंगे सीरीज में कनेक्ट है ये। हमने क्या बोला था, हम करंट की डायरेक्शन लेंगे, करंट यहाँ से चला, यहाँ से होते हुए देखो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा हमें आउटपुट पर, मतलब किस में कनेक्ट है ये सीरीज में। यहाँ पे मेंशन करेंगे L1 क्या है इंडक्टर 1 L2 क्या है इंडक्टर 2 फ्लक्स 1 फ्लक्स 2, ठीक है ये डिनोट करेंगे फ्लक्स 1 फ्लक्स 2। ये हमारा देखो लाइन नंबर ऑफ लाइन मतलब फ्लक्स, ठीक है। अब देखो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है मतलब सेम डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या रहेगा, ये देखो L1 प्लस L2 प्लस 2 डायरेक्टली ये लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था इंडक्टर इन सीरीज वैन फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पे फ्लक्स क्या है सेम डायरेक्शन में। अब करेंगे इंडक्टर इन सीरीज बट फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो बच्चा ये आप बनाओगे कैसे, कुछ बच्चों को डायरेक्टली समझ नहीं आता, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं कैसे बनाओगे। आप पहले क्या करो कि इंडक्टर बनाया, ठीक है एक, फिर ये इंडक्टर बनाया, इसको L1 नेम दिया, इसको L2, ठीक है। फिर क्या है फ्लक्स की डायरेक्शन इधर लेफ्ट टू राइट, और इसमें राइट टू लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन थी। अब देखो कनेक्ट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ से हम करंट दे रहे हैं, तो फ्लक्स क्या हमारा करंट के डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो क्या रहेगा फ्लक्स हमारी तरफ है, तो ये क्या है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको कहाँ कनेक्ट करें, देखो यहाँ पे जाके अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं तो अब देखो अकॉर्डिंग टू करंट फ्लक्स की डायरेक्शन और ये आउटपुट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा L1 प्लस L2 माइनस 2 ओम। ओके अब देखो क्या है, अब करेंगे इंडक्टेंस इन पैरेलल, मतलब हमारा क्या होगा दो कोयल है वो क्या करेंगे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे कि इंडक्टर इन पैरेलल वायर फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन। तो इंडक्टर पैरेलल का हमने बनाया था फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला भी क्या था और कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या होगा पैरेलल में हमारा क्या रहता है, ये देखो करंट दिया तो यहाँ के करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, दो वे मिल रहे हैं, तो ये हमारे किस में कनेक्ट है पैरेलल में। यहाँ पे लिखेंगे L1 L2 ये है फ्लक्स 1 ये है फ्लक्स 2, ठीक है अच्छे से देख लेना कैसे बनाए। पहले इसको ऐसे बनाया ये आउटपुट, फिर सेकंड यहाँ से लिया और ये कर दिया, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा L1 L2 L1 प्लस L2, ये तो किसका इंडक्टर इन पैरेलल, और साथ में ये क्या है इंड्यूज का करें तो क्या -ohm² - 2 ohm। ओके इस पे ये फॉर्मूले याद रखने, इस पे न्यूमेरिकल आता है हमारा इम्पोर्टेंट। अब देखो ये करेंगे हम क्या इंडक्टर इन पैरेलल वहन फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो
तो क्या करेंगे, देखो कैसे बनाएंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ। पहले क्या करेंगे, एक इंडक्टर बनाएंगे, ठीक है, फिर नीचे इंडक्टर बनाएंगे, ये L2 है, ये L1 है। तो यहाँ से हमने एक करंट दिया, ये कनेक्ट किया यहाँ पे जाके, और ये आउटपुट हो रही है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्लक्स की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और इसमें देंगे अपोजिट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो क्या है, करंट की डायरेक्शन तो ऐसे है, पर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब रोंग हो जाए। तो इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखो फ्लक्स, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और सेम क्या है हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन करंट के, तो ये जाके यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ये फ्लक्स 1 हो जाएगा, ये फ्लक्स 2 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, L1 L2 -m² L1 + L2 + 2m। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या हमारा, कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको देखो क्या करेंगे, कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट को क्या करेंगे, डिफरेंस सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमें पता रेजिस्टेंस यूज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ईएमएफ यूज होती है, करंट फ्लो करता है, ये चीजें देखो यही कंपैरिजन में आएगा सभी में। मैग्नेटिक सर्किट में क्या रहेगा, फ्लक्स फ्लो करेगा, ठीक है, रिलेक्टेंस होता है, क्या करता है, बीच अप होता है, फ्लो फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है। एमएमएफ होती है, एमएमएफ क्या, मैग्नेटो फोर्स, ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और डिफरेंस क्या करेंगे इसमें, देखो द क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसमें क्या रहेगा, किसके लिए क्लोज पाथ है, ये देखो क्लोज पाथ किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, इन्हें मैग्नेटिक सर्किट। ओके, फिर क्या कंपैरिजन है इसमें, देखो क्या लिखा हो, द क्वांटिटी व्हेन फ्लो, इसमें क्या है हमारा, देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द क्वांटिटी व्हेन फ्लो ऑफ करंट, इसमें फ्लो ऑफ करंट है, और इसमें क्या है, फ्लो ऑफ फ्लक्स। ओके, और इसमें क्या है, देखो ड्राइव करंट किसके, द करंट इज ड्राइवन बाई ईएमएफ, और द फ्लक्स इज ड्राइवन बाई एमएमएफ। ओके, ये कंपैरिजन कर लेना, ठीक है, सिंपल। और एक देखो करंट निकालने का फॉर्मूला करते थे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर करते थे, तो हम वी को क्या है, ईएमएफ से रिप्रेजेंट करें, तो हमारा क्या रह जाएगा, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस। ये करंट का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का क्या रहेगा, एफ इक्वल टू ईएमएफ का एनालॉगी क्या है, एमएमएफ, और रिलेक्टेंस हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस की जगह, ये रहेगा किसका, फ्लक्स का, एमएमएफ बाई रिलेक्टेंस, ये आर रिलेक्टेंस और वो आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, ये यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे आप जब भी करोगे, ठीक है। और देखो ईएमएफ इन वोल्ट, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन था, थर्ड क्या था, ईएमएफ की क्या है, यूनिट क्या है, तो क्या है ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका न्यूमेरिकल आता है, वो देखो क्या है, द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देखो सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, मतलब L1 इक्वल टू 300 माइक्रो हेनरी, L2 इक्वल टू कितना है, 4 माइक्रो हेनरी, ठीक है, 300 400। ये देखो L1 और L2 का क्या दिया हुआ, दो कॉइल का दिया हुआ, सेल्फ इंड्यूशन या क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, ये क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L1 L2। ओके, ये वैल्यू होगी L1 L2 की, फॉर्मूला हमें याद रहता है, सीरीज पैरेलल का डायरेक्टली पुट कर देंगे। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोल रहा है, कितना है, 200 माइक्रो हेनरी, ये सब हमें क्या है, गिवन है न्यूमेरिकल में। देखो ये देखो द कॉइल ऑफ सेल्फ, और सेल्फ दिया हुआ ये 300 400, और म्यूचुअल दिया हुआ 200, ठीक है, आप पुट करेंगे, हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिर देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, वो देखो लास्ट, कनेक्ट किस में, कनेक्ट इन पैरेलल, देखो ये चीज हमें देखनी है, कनेक्ट इन पैरेलल दिया हुआ है या कनेक्ट इन सीरीज, अगर पैरेलल दिया तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, सीरीज दिया तो सीरीज का, ठीक है। फिर क्या है, ए में क्या दिया, फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम इन सेम डायरेक्शन, और फ्लक्स प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे सीरीज रहता तो डायरेक्टली पुट करते सीरीज के लिए क्या, सेम डायरेक्शन के लिए L1 L2 + 2m, L1 300 + 400 + 2 × 200, ये डायरेक्टली पुट कर दे, फिर क्या था, फ्लक्स प्रोड्यूस देम इन अपोजिट डायरेक्शन जब सीरीज में कनेक्ट होता है, L1 + L2 - 2m, ठीक है, ये सीरीज के लिए था। अब निकाल रहे हैं हम, हमसे पूछा क्या पैरेलल के लिए, L1
L2 और म्यूचुअल, तीनों हमारे पास गिवन है। वैल्यू पुट कर दो, टोटल इंडक्टेंस क्या है व्हेन फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, क्या था L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, L1 प्लस L2 माइनस 2m। अब जो L1 है यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, 300, ठीक है। L2 क्या है 400 और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है 200 का स्क्वायर, ठीक है। पुट करके जो भी हम सॉल्व करेंगे, देखो आपका लेना आगे, कोई डाउट रहता तो पूछ लेना, ठीक है। वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा ये। और फिर एक चीज़ देखना, जब हम आंसर निकालते हैं, ये आंसर होता है, तो क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल इंडक्टेंस, तो साथ में यूनिट लिखेंगे हेनरी, ठीक है। कितना है हमारा 266.67 माइक्रो हेनरी, ठीक है, यूनिट जरूर लिखेंगे। अब कह रहा है कि हमारा फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, आगे फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या है फॉर्मूला पू, ये देखो क्या चेंज हो जाएगा, जब हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लक्स रहता तो ये क्या रहेगा 2m कैप नेगेटिव, ठीक है। और जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों का आप न्यूमेरिकल याद रखना, देखो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये क्या है हमारा, जब इंडक्टर इन पैरेलल फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये देखो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये किसके लिए है, इंडक्टर इन सी पैरेलल वहन फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, ओके। वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई, और साथ में ये जरूर लिखेंगे यूनिट, ओके। ये हमारा क्या था जो आज टेस्ट हुआ था चैप्टर 6 का, उसका सॉल्यूशन है। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रहता तो फिर भी पूछ लेना, ओके।